फ्रेंड्स यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल आज मैं आपको एम एस वर्ड के अंदर पिक्चर टूल के बारे में सिखाऊंगा। पिक्चर टूल जो कि क्लास सेवन के अंदर एम एस वर्ड दिया गया है उसके लेसन फाइव के अंदर पिक्चर टूल के बारे में पूरा बताया गया है और उसी से रिलेटेड पूरे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आपने पिक्चर टूल को यूज कैसे करना है किसी भी पिक्चर का जैसे अभी हम फोटोशॉप के अंदर पिक्चर की एडिटिंग करते हैं उसके बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं सेम ऐसे आप एम एस वर्ड के अंदर पिक्चर का बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो कलर में करेक्शन कर सकते हो उसका कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हो कलर से ब्लैक एंड वाइट पिक्चर बना सकते हो और ये एम एस वर्ड का जो दो हजार दस टू थाउजेंड टेन जो वर्जन है उसके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है और उसके बाद वाले थर्टीन सिक्सटीन नाइनटीन सब के अंदर है लेकिन उससे जो पहले के वर्जन थे यानी 2000 में 2003 में उनके अंदर ये पिक्चर टूल नहीं दिया गया था तो अभी हम देखते हैं कि इसको आपने यूज कैसे करना जैसे आप एम एस वर्ड को ओपन करते हो आपको इसके अंदर पिक्चर टूल कहीं दिखाई नहीं देगा यानी कि फॉर्मेट का आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा लेकिन जैसे आप इसके अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो जैसे कि अभी मैं पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ जैसे मान लो मैंने ये पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट किया है पिक्चर इंसर्ट करते देखो जी ऊपर पिक्चर टूल और ये फॉर्मेट पिक्चर टूल के अंदर फॉर्मेट यानी कि इसी पिक्चर से रिलेटेड आपने इस पिक्चर को फॉर्मेट कैसे करना है ये टूल एक्टिवेट हो चुका है इसके एडजस्ट पिक्चर स्टाइल रेंज और साइज ये पार्ट हैं इसके और इसका जो पहला एडजस्ट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो सबसे पहले रिमूव बैकग्राउंड जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपने किसी भी पिक्चर की बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करना है जो पिक्चर आपकी सिलेक्ट है तब आपने रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है रिमूव बैकग्राउंड क्लिक करते ही पूरे का ऊपर देखोगे आप टैब सारे गायब हो चुके हैं ओनली बैकग्राउंड रिमूवल व्यू और फॉर्मेट जी दिखते हैं बैकग्राउंड रिमूवल इसके अंदर रिफाइन और क्लोज दो ऑप्शन दिए रहते हैं रिफाइन के अंदर क्या आता है मार्क एरिया टू की मार्क एरियाज टू रिमूव और डिलीट मार्क जो आपका पिक्चर सेलेक्ट है देखो अभी इसके ऊपर कलर ये पिंक आ चुका जहाँ भी कलर पिंक आता है वो एरिया पूरा आपका रिमूव होने वाला है आपने पिक्चर को देखना है कि आपको पिक्चर कितनी रखनी है सबसे पहले तो पूरी पिक्चर आपकी इस रेक्टेंगल के अंदर कवर होनी चाहिए अगर रेक्टेंगल के अंदर कवर नहीं हो रही तो वो ऑटो जो कलर का कॉम्बिनेशन को देखते हुए सिलेक्ट करता है इसलिए पिक्चर आपकी पूरी सेलेक्ट नहीं हो पाती या जो पिक्चर आपने रखनी होती है वो हिस्सा भी इसका कट जाता है जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ जैसे इसको अभी सेलेक्ट किया अगर हम इसको कीप ऑल कर देंगे देखो लड़की का यहाँ से हाथ कट चुका ऊपर से बाल इसके कट चुके हैं इस प्रकार जाने के इसकी सिलेक्शन सही नहीं होने की वजह से कंट्रोल जेड करता हूँ इसे अभी आपने देखना कि जे वाला हैंड इसका आप ने रखना है और ये ऊपर से हेयर इसके कट नहीं होने देने तो इसके लिए आपने जो फर्स्ट वाला है मार्क एरिया टू कीप यानी कि वो एरिया मार्क करो जिसको आपने इसके अंदर रखना है जहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाओगे वो तो ऑटो कलर को चेक करते हुए उसको सेलेक्ट करता है आपने कितना एरिया रखना है उसके ऊपर आपने क्लिक करते जाना है अभी उसके हेयर को आप रखना चाहते हो अभी जेएस की सिलेक्शन हो चुकी है और अगर कोई गलती से आप जो एरिया सिलेक्ट नहीं हुआ आप उसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट मार्क जिसके ऊपर आप जिसको डिलीट करना चाहते हो उसको डिलीट मार्क कर सकते हो दूसरा जो है मार्क एरिया टू रिमूव मान लो आप उसे रिमूव करना चाहते थे लेकिन वो एरिया रिमूव नहीं हो रहा तो आपने इसको लेना है और उसको सेलेक्ट करना है जहाँ भी आप सेलेक्ट करोगे वो पिंक कलर होता जाएगा और उसको वो एरिया को रिमूव जहाँ से कर देगा मान लो मैंने जहाँ पे इतना रिमूव कर दिया जी आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ जबकि से हमें उसके जो हेयर हैं उसको रिमूव करने की ज़रूरत हमें नहीं है और अगर आपने गलती से कोई पॉइंट यहाँ पे मार्क कर दिया चाहे तो मार्क के टू कीप में या रिमूव में तब आप इसकी मदद से उसके ऊपर लेके माउस को लेके जाओ जर जा ऊपर जाते ही लेफ़्ट क्लिक करो वो एरिया वो पॉइंट आपका यहाँ से डिलीट हो जाता है जैसे आप इसको पूरे कर देते हो उसके बाद आपने कीप चेंजेस पे ओके okay करना है तो यहाँ से पूरी उसकी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगी और अगर आप इसको पूरे को डिस्कार्ड यानी कि जितने आपने पॉइंट लगाए इसको डिस्कार्ड कर देते हो तो सारे चेंजेस सेम रिमूव हो जाएगी और सेम ऐसे कैसे पिक्चर अभी अपने को मिलेगी ये देखो अभी ये है आपकी पिक्चर ये एरिया इतना बचा हुआ है क्योंकि इसके हेयर का और इसका कलर मैच करता है इसके लिए आपने पिक्चर को बड़ा करो और उसके बाद द्वारा फिर इसकी करेक्शन करो तभी आप इसको पूरे को सही से सेट कर पाओगे अभी ये वाला एरिया आपने रिमूव करना है अभी इसका हो चुका है ओके करो इस प्रकार अभी भी ये जो बीच में कट आ रहे हैं इसके इसको थोड़ा पिक्चर को और जूम करके आप इसको अगर सेट करते हो तो पिक्चर पूरी की पूरी आपकी सही तरह से सेट हो पाएगी फ़ोटोशॉप की तरह हम इसे तो नहीं कर सकते यानी कि उतनी इसके अंदर क्वालिटी तो नहीं ला सकते लेकिन अपना काम चल सकता है इस लाइक हम पिक्चर को बना सकते हैं या पिक्चर का बैकग्राउंड अगर सही रहता है कि कलर इसके साथ पिक्चर के साथ मैच ना करे तो हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना बहुत इजी होता है और हम आसानी से रिमूव इसको कर सकते हैं नेक्स्ट इसके अंदर करेक्शन अभी हमें एक पिक्चर और इंसर्ट करते हैं इसके अंदर मान लो इसको हमने इंसर्ट किया इसके अंदर अभी जो करेक्शन है इससे क्या करते हो कि आप कलर करेक्शन शार्पन एंड सॉफ्टन ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट तो जो पिक्चर आपको अच्छी लगती है आप उसको अगर आपने ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है या ज़्यादा धूप में की होती है पिक्चर तो उसको थोड़ा उसका कंट्रास्ट और ब्राइटनेस कम करने के लिए इसको सिलेक्ट हम कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है देखो इसके ऊपर साथ के साथ ब्राइटनेस प्लस फोर्टी परसेंट कंट्रास्ट ज़ीरो परसेंट नॉर्मल सब कुछ इसके ऊपर आ रहा है जहाँ पे ब्राइटनेस माइनस फोर्टी और कंट्रास्ट जीरो है और ऊपर वाले में भी आप चाहते हो सॉफ्टन फिफ्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव जीरो और ट्वेंटी फाइव और शार्पन फिफ्टी परसेंट इस प्रकार से ये पूरे का पूरा चेंज होता जाता है और आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक इसका कलर चेंज कर सकते हो नेक्स्ट इसी में आता है कलर पिक्चर के कलर को चेंज करने के लिए आप इस ऑप्शन को यूज करते हो कलर कलर से हम पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट बना सकते हैं उसके कलर को कम ज़्यादा कर सकते हैं पिक्चर को जो आप शेड देना चाहते हो या पिक्चर आपने देखा होगा कई बार ग्रे स्केल में होती है या किसी और कलर में आती है तो उस प्रकार आप अपने पिक्चर को इसमें सेलेक्ट कर सकते हो देखो अभी पिक्चर जो भी आप सेलेक्ट करते हो अभी यहाँ पे देखो तो पूरी पिक्चर आपकी ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है और अगर कोई और कलर आप इसका सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर जैसे रेड कलर ज़्यादा उसका हाईलाइट हो रहा है और देखते हो इसके अंदर तो आप ऐसे कलर इसके चेंज कर सकते हो अगर इन कलर के बिना और कलर आपको चाहिए तो जहाँ पे आप मोर वेरिएशन के अंदर जाके पिक्चर का कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट आता है इसके अंदर आर्टिस्ट इफेक्ट ये इफेक्ट देख सकते हो कि आप इसके ऊपर पिक्चर के ऊपर जो इफेक्ट डाले जाते हैं जैसे हम फोटोशॉप में या किसी दूसरे में पिक्चर को ब्लर करना है आपने डॉटेड पिक्चर बनानी है या उसका कार्टून टाइप बनाना है तो इस प्रकार आप पिक्चर को बना सकते हो मान लो जे आपने इसको सिलेक्ट किया और इसका कलर आपने ब्लैक एंड वाइट किया तो ये देखो पूरी जो आपने स्केच जैसे हम ड्राइंग करते हैं वैसे एक पिक्चर अपनी बन जाती है इस प्रकार आप किसी भी पिक्चर को लेके आप उसका स्केच बना सकते हो नेक्स्ट आता है कंप्रेस पिक्चर कंप्रेस का मीनिंग होता है पिक्चर को छोटे करना कंप्रेस <coughs> का मीनिंग होता है पिक्चर को छोटे करना आपने पिक्चर के साइज़ को कैसे छोटा करना है जैसे अभी हमने कोई पिक्चर ली उसे हमने ईमेल करना है जहाँ कहीं और जगह पे यूज करना जहाँ किसी फॉर्म में अपलोड करना तब हमें पिक्चर को उसके साइज़ को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है ईमेल करते समय पिक्चर को जैसे इसके अंदर ऑप्शन दिया हुआ है ई मेल नाइन्टी सिक्स पी पी आई और स्क्रीन पे करते तो 150 फिफ्टी पी पी आई पी पी आई मतलब पिक्सल पर इंच तो अगर पिक्सल बढ़ेंगे तो उसके साइज़ भी बढ़ेगा और इस प्रकार अगर आपने ईमेल करना तो 96 करके आप इसे करते हो तो पिक्चर का जो साइज़ है वो कम हो जाता है चेंज पिक्चर पिक्चर को चेंज करने के लिए इसके जगह पे कोई दूसरी पिक्चर आपने लगानी है उस पिक्चर को आप जहाँ पे चेंज कर सकते हो रीसेट पिक्चर आपने पिक्चर के अंदर आपने जितना भी उसका साइज़ को चेंज किया है उसके कलर को चेंज किया है उसको आप पूरे को रीसेट कर देते हो तो पूरी पिक्चर जैसे पहले थी वैसे की वैसे पिक्चर आपको मिलेगी इसके अंदर नेक्स्ट है पिक्चर स्टाइल आप पिक्चर का बॉर्डर किस टाइप का देना चाहते हो पिक्चर का स्टाइल कैसा देना चाहते हो ये है उसका बॉर्डर ये बिल्कुल थिन बॉर्डर उसका ये राउंड में ये इस प्रकार का ये बहुत अलग अलग उसके स्टाइल दिए गए हैं आप पिक्चर को कैसा स्टाइल देना चाहते हो वैसे आप पिक्चर को दे सकते हो पिक्चर बॉर्डर का कलर आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि आप कलर कैसा उसको देना चाहते हो पिक्चर के इफेक्ट उसकी शेडो आप कैसा देना चाहते हो उसको थ्री रोटेशन उसकी किस प्रकार आप पिक्चर को रोटेट करना चाहते हो वैसे आप इस पिक्चर को बना सकते हो ये सारे ऑप्शन आप फोटोशॉप से भी ज़्यादा इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं थ्री रोटेशन के आप इसको थ्री डी रोटेट करके कैसे पिक्चर को बना सकते हैं ये देखो कितना अच्छा है ये डिजाइन इसका इस प्रकार आप पिक्चर के लेआउट के पिक्चर को आप ज़्यादा पिक्चर हैं आपने उनको लेआउट कैसे करना चाहते हो जैसे कि अभी वर्ड के अंदर हम या स्मार्ट आर्ट के अंदर काम करना चाहते हैं तो उस प्रकार से पिक्चर का जहाँ पे कैप्शन लिख कर उसको हम जहाँ पे अपनी मर्जी से लिस्ट में डाल सकते हैं उसका ये डिजाइन बना सकते हैं नेक्स्ट आता है इसी के अंदर पोजीशन अभी पिक्चर को आप मूव नहीं कर पा रहे जहाँ पे अगर पोजीशन पे क्लिक करते हो उसके बाद आप इसको टॉप जहाँ इसका स्क्वायर में सेलेक्ट करते हो तो तब आपकी पिक्चर देखो अभी मूव हो पा रही है यह कब जरूरत पड़ती है हम टेक्स्ट के साथ इसको पिक्चर को मूव करना चाहते हैं या टेबल के साथ में जहाँ इसे लेफ्ट लाइनमेंट या राइट लाइनमेंट तब हम इसे पोजिशन को इसको सेलेक्ट करते हैं और ये पूरे ऑप्शन इसके साथ रैप टेक्स्ट टेक्स्ट के साथ में आपने करना है उसके टेक्स्ट के आगे उसके पीछे और टॉप पे या बॉटम पे ये सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं आप इनको सेलेक्ट कर सकते हो ये पहले रैप टेक्स्ट करने के बाद में आप उसकी पोजीशन को सेट करना सही रहता है ब्रिंग फारवर्ड जब पिक्चर ने आपको आपने फारवर्ड लेके आना था जबकि दो पिक्चर हो तो किसी एक पिक्चर को हमने ऊपर आधा दिखाना और दूसरी पिक्चर को आधा पीछे करना है जैसे अभी एक ये पिक्चर है और एक पिक्चर और हम इंसर्ट करते हैं इसके अंदर जैसे इसको इंसर्ट कर दिया इसके अंदर अभी ये दो पिक्चर हो चुकी हैं और ये देखोगे अभी ये पिक्चर जैसे इसके पीछे जा चुकी है तो अभी हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं और ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करके ब्रिंग फ्रंट लाते हैं तो ये पिक्चर उसके आगे आ जाएगी आपने इसको ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करना है और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट तो जहाँ टेक्स्ट होगा जहाँ कोई पिक्चर होगी तो उसके आगे पिक्चर आपके आ जाएगी अभी ये पीछे गई जो पिक्चर इसको आप आगे लाना चाहते हो तो इसको क्लिक करो तब ये पिक्चर इसके सामने फ्रंट में आएगी इस प्रकार आप अपने पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हो नेक्स्ट इसी के अंदर आता है सेंड बैकवर्ड अगर पिक्चर को आपने बैक में सेंड करना है पीछे भेजना है तब आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो और सिलेक्शन पेन सिलेक्शन पेन का मतलब क्या होता है कि जितनी पिक्चर आप उनको कैसे सेलेक्ट करना चाहते हो इकट्ठे सेलेक्ट करना चाहते हो तब इस ऑप्शन का यूज किया जाता है आगे पिक्चर की अलाइनमेंट आप कहाँ से करना चाहते हो लेफ्ट राइट टॉप या फिर आप और ऑप्शन दिए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूट ओरिजेंटली वर्टिकली जैसे आपकी ज़रूरत है पेज के साथ में आप लाइन करना चाहते हो मार्जिन के साथ करना चाहते हो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो मार्जिन के साथ इसको लाइन किया जाता है नेक्स्ट आता है रोटेट आप पिक्चर को रोटेट करना चाहते हो 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट या 180 डिग्री या वर्ट, फ्लिप वर्टिकली फ्लिप वर्टिकली क्या होता है कि पूरे का पूरा पिक्चर उल्टा हो जाता है वर्टिकली ये देखो अभी पिक्चर जैसे अभी हम मोबाइल के अंदर फ्रंट कैमरे से पिक्चर करते हैं तब उस कैमरे से की फ़ोटो को सीधा करने के लिए हम फ्लिप ओरजेंटली करते हैं फ्लिप औरजेंटली करने से पिक्चर अपने बिल्कुल अपने को जैसे फ्रंट से कि फ्रंट कैमरे से करते हैं पिक्चर वैसी दिखती है नेक्स्ट क्रॉप पिक्चर को क्रॉप करने के लिए कम ज़्यादा करने के लिए जितना जो फालतू एरिया उसको कट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है यहाँ पे जितना भी आपको एरिया चाहिए उतना सिलेक्ट करिए और इंटर को प्रेस करिए वो बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट उसका वो डिलीट हो जाएगा जितना आपने एरिया सेलेक्ट किया वो आप, आपका एरिया उतना क्रॉप हो जाएगा नेक्स्ट उसकी हाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो अभी ये दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और जो इसका लॉक स्पेक्ट रेजो इसको अनचेक कर देना है रिलेटिव ओरिजिनल पिक्चर साइज इसको भी अनचेक कर देना है अब आप अपने मर्जी के मुताबिक इसकी लेंथ और ब्रेथ को कम ज़्यादा कर सकते हो ये था आपका पिक्चर टूल जो कि आपके चैप्टर के अंदर भी दिया गया है क्या आप वर्ड के अंदर काम करते हो आपके पास फोटोशॉप नहीं और पिक्चर को एडिटिंग आपने करना है उसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो और कलर लगाना चाहते हो तब आप इस ऑप्शन का टूल इस टूल का यूज कर सकते हो अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसके बारे में आपको डिटेल से दोबारा फिर समझाऊंगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके थैंक यू